आगरा में प्राइमरी स्कूल में एक किशोरी का गला कटा, शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला खेरागढ़ थाना क्षेत्र का है। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही एसएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, किशोरी की शिनाख्त कर शवानों को सूचना कर दिया गया। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि किशोरी की हत्या दो लोगों ने की, वो इसलिए क्योंकि युवती को आगे से पकड़कर पीछे से गला किसी धारदार हथियार से काटा गया होगा। गले पर 2 बार वार किया गया है, पहला बड़ा वार और दूसरा छोटा वार। किशोरी का मोबाइल बरामद कर लिया गया है, साथ ही दुष्कर्म की भी अभी आशंका नहीं दिख रही। आज सुबह थाना खेरागढ़ के खानकागढ़ गांव में सूचना मिली कि एक लड़की 16 वर्षीय है, उसकी डेड बॉडी यहाँ स्कूल के बगल में मिली है। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर और फील्ड यूनिट और हमारे डॉग स्क्वाड सभी को बुला लिया गया था। पूरी छानबीन कर ली गई थी और डेड बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। FIR दर्ज करने के लिए परिजनों को थाने ले गया गया है और पूरी छानबीन की जा रही है। फील्ड यूनिट ने यहाँ से कुछ साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं जो तथ्यों को की जाँच कर रही है और मुकदमा पंजीकृत कर पैनल से जो है इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके आधार पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरीके से हत्या की गई? लड़की की जो है वो गला काट कर हत्या है और इंजरी जो है वो गले पे है, बाकी बॉडी पे कोई ऐसी इंजरी नहीं है, कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं है। वो सारी चीज़ों को हमारे फील्ड के जो है कर्मचारी उन्होंने देख लिया है और मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, बाकी हमारी टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र इसका अनावरण कर लिया जाएगा।